जेपी सीमेंटेड चौखट दुकान, सभी तरह के खूबसूरत डिजाइनदार सीमेंट छत से ढलाई किया हुआ मजबूत एवं टिकाऊ चौखट मात्र 1000 रुपए में बनाया जाता है। तो आज ही ऑर्डर करें। हमारा पता है नामधारी कॉलेज गेट के बगल में गढ़वा। संपर्क नंबर 6200418799। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। भवनाथपुर से उदया कुमार की रिपोर्ट। झारखंड सरकार द्वारा बरसात के मद्देनजर बालू खनन पर आगामी 15 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है। इसके बावजूद बालू माफियाओं द्वारा केतार प्रखंड के बक्सीपुर सिंहपुर ताली परसोडीही गांव के पंडा नदी तट से धड़ल्ले से बालू का खनन व उठाव किया जा रहा है। बालू माफिया पहले यह काम रात के अंधेरे में करते थे, लेकिन अब तो दिन दहाड़े हो रहा है। यह नजारा सरेआम देखा जा सकता है। जहां सुबह से शाम तक बालू का उठाव हो रहा है, यहां के गांव के ही कुछ स्थानीय दबंग बालू माफिया बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। ये लोग मजदूरों से नदी में ही जगह जगह बालू का स्टॉक कराकर 2500 रुपए प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से बेच रहे हैं। विडंबना ये है कि खनन विभाग और जिला प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सरकारी रोक के बावजूद इन गांव के इन तटों से जब ग्रामीण बालू उठाव किए जाने का विरोध करते हैं, तो बालू माफियाओं द्वारा ग्रामीणों को देख लेने की धमकी देते हुए जबरन ट्रैक्टर से बालू का उठाव किया जा रहा है। विदित होगी सरकारी रोक के बाद भी पंडा नदी से अवैध तरीके से बालू उठाव किए जाने से संबंधित लगातार शिकायत मिलने पर कुछ दिनों पूर्व जिला प्रशासन द्वारा केतार का दौरा कर इसका निरीक्षण किया गया था। साथ ही अधिकारियों ने कहा था कि जब तक सरकार का निर्देश नहीं आता, तब तक किसी प्रकार से बालू का उठाव पूर्ण रूप से बंद रहेगा। वहीं नदियों से अवैध तरीके से बालू उठाव करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन आलम यह है कि बालू माफिया सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देश की धज्जियां उड़ाते हुए दिन दहाड़े यहां से बालू का उठाव कर ऊंची कीमत पर बेचने में मशगूल हैं। इसका फायदा बालू माफियाओं के साथ स्थानीय लोग भी उठा रहे हैं। दिनांक 25 सितंबर 2020 को भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत केलान पंचायत में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन ज्योतिबा फूले स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब केलान भवनाथपुर के तत्वाधान में जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसकी ओपनिंग मैच अतिथि के द्वारा फीता काटकर मैच की शुरुआत कांडी प्रखंड के हरिहरपुर और बंशीधर नगर उंटारी के बीच खेला गया, जिसमें कांडी की टीम 0-1 से मैच जीतकर सेमीफाइनल मैच में प्रवेश किया और यहां कई जगहों के युवा को मैच खेलने का भी मौका दिया जाएगा। उपस्थित अतिथि जिला परिषद प्रत्याशी विमलेश कुमार यादव, मुखिया राजकिशोर सिंह, उप मुखिया शशि दुबे, बीडीसी अखिलेश उराव व मेघनाथ यादव, शंभु उराव, कबड्डी संघ के सचिव अजय गुप्ता, खेल प्रभारी शक्ति सिंह, अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष फुलनेदर यादव, सचिव संजय कुमार यादव, सदस्य ओम प्रकाश यादव, दयानंद सिंह, रामप्रयाग चिखुर महतो, प्रमुख बच्चन देव, जोगेंद्र बैखुट, छोटे अटल, बिमलेश, राकेश, रामकुमार, बालेश्वर एम आदि लोग भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी मंडल इकाई के द्वारा मंडल कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पण व दीप प्रज्वलन का कर किया गया। उक्त अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष उमेंद्र यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमेशा राष्ट्रहित और देश हित को सर्वोपरि माने। हमेशा उन्होंने गरीबों के विकास के लिए समाज के निचले और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए अंत्योदय का संदेश दिया और एकात्म मानववाद का दर्शन दिया। जिला कार्य समिति सदस्य विनय चौबे ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे देश के धरोहर थे। जिला कार्य समिति सदस्य मनोज पहाड़िया ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति का विकास और पंडित जी के सिद्धांत पर ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और स्थानीय हमारे विधायक श्री भानु प्रताप शाही सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास पर चल रहे हैं। मंडल अध्यक्ष सोना किशोर यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता तथा एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने व्यक्तिगत ईमानदारी व सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। वे भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत थे। वह हिंदू राष्ट्रवादी तो थे ही, इसके साथ ही साथ भारतीय राजनीति के पुरोधा भी थे। उनकी मान्यता थी कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। कार्यक्रम में जिला कार्य समिति सदस्य अनिल चौबे, विधायक प्रतिनिधि दयानंद सोनी, संजय यादव सहित ब्रजेश चौबे, प्यारे मोहम्मद अंसारी, अशोक गुप्ता, सतीश पाठक, कर्मदेव साहा, बेचू साहा,
रामलखन यादव, केतवारू साह, लाल बिहारी यादव सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन मंडल महामंत्री भानु गुप्ता जी ने किया। धन्यवाद। आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टंडा गढ़वा झारखंड एएनएम जीएनएम डी फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे, गरीबों का एक ही मसीहा विश्रामपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरि ओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड रेहला पलामू, विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुभी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।